आईपीएल 2021 के लिए आकाश चोपड़ा ने चुनी है सीएसके की अपनी प्लेइंग 11। इन दिग्गज खिलाड़ियों को दिया है मौका और टीम में किया है शामिल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्पोर्ट के और नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार आकाश चोपड़ा ने सीएसके के लिए कौन से प्लेइंग 11 चुनी है और किन दिग्गज खिलाड़ियों को दिया है मौका। तो दोस्तों पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और अगर आप इस सीएसके टीम को एक अच्छी टीम के साथ साथ महेंद्र सिंह धोनी को एक अच्छा कप्तान और अच्छा विकेट कीपर मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2020 में 3 बार की चैंपियनशिप चेन्नई सुपर किंग्स का सफर अच्छा नहीं हुआ था क्योंकि 14वें में से 6 लीग गेम जीतने के बाद अंक तालिका में 7वें स्थान पर थे। इस स्थान पर एमएस धोनी के नेतृत्व में चेन्नई सुपर किंग्स के 14वें सीजन में वापसी करना चाहेगी। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और प्रसिद्ध क्रिकेट विश्लेषक आकाश चोपड़ा ने सीरीज शुरू होने से पहले सीएसके के प्लेइंग 11 को चुना है। उन्होंने सलामी जोड़ी के रूप में ऋतुराज गायकवाड़ और दक्षिण अफ्रीका के महान बल्लेबाज फाफ डू प्लेसिस को चुना है। गायकवाड़ ने आईपीएल 2020 के अंत में शानदार प्रदर्शन किया था और नंबर 3 के लिए आकाश ने अंबाती रायडू को चुना है, जबकि 4 नंबर पर बल्लेबाज का स्लॉट सुरेश रैना को दिया गया है जो व्यक्तिगत कारणों से आईपीएल 2020 में बाहर हो गए थे। चोपड़ा का मानना है कि एमएस धोनी को अपनी नियत स्थिति में बल्लेबाजी करनी चाहिए, जबकि रविंद्र जडेजा को 6 स्थान पर बल्लेबाजी करने के लिए बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। दोस्तों हम आपको बता दें कि सैम करन 2020 संस्करण में चेन्नई के लिए अच्छा खेले थे। ऑलराउंडर ने बल्ले और गेंद दोनों को सकारात्मक योगदान दिया था। इस बार चोपड़ा का मानना है कि कुरैन को 7 नंबर स्लॉट दिया जाना चाहिए क्योंकि वह बल्लेबाजी लाइन अप को आवश्यकता लचीलेपन और गहराई प्रदान कर सके। जडेजा के अलावा आकाश चोपड़ा की प्लेइंग 11 में जगह पाने वाले अन्य स्पिनर करण शर्मा हैं। चोपड़ा का मानना है कि टीम को कम से कम 4 उचित गेंदबाजों की जरूरत है और कर्ण कलाई के स्पिन होने का एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। दोस्तों चोपड़ा के प्लेइंग अप में जगह मिलने में कामयाब रहे हैं 3 पेसर्स में शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर और जोश हेडबुल। हालांकि जोश हेडबुल को सीजन से बाहर कर दिया गया है। हालांकि सीएसके की अपनी योजनाओं में संशोधन करना होगा क्योंकि जोश हेडबुल को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया है। आकाश चोपड़ा को टीम चुनने से पहले जानकारी नहीं थी हेडलबुज बाहर रहेंगे, इसलिए उन्होंने अपनी टीम में हेडलबुज को रखा है। दोस्तों बात करें सीएसके की प्लेइंग 11 की तो आकाश चोपड़ा के अनुसार सीएसके की प्लेइंग 11 में ऋतुराज गायकवाड़, फाफ डू प्लेसिस, अंबाती रायडू, सुरेश रैना, एमएस धोनी, रविंद्र जडेजा, सैम करन, कर्ण शर्मा, शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर और जोश हेडबुल टीम में शामिल हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या आकाश चोपड़ा की यह टीम आईपीएल 2021 के लिए उचित होगी या नहीं? आप अपनी महत्वपूर्ण राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आईपीएल से जुड़ी हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज की अपडेट में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।